हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कम्युनिटी में सबका स्वागत है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी जो फैमिली है, व्हीकल की फैमिली है, उसमें हम एक और 4x4 व्हीकल ऐड करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो बजट है और वो सब के खिलाफ, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे जो ट्रैक्टर वो है जो ऐड करने जा रहे हैं, वो व्हीकल है, वो एक ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पर खड़ा है। उससे पहले एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक और ट्रैक्टर है। अभी देखिए टॉर्च लेके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी रात हो चुकी है, लेकिन कमेंट में देखो जो भले आप जो गए, मुझे ये हमने ले लिया उसके तो 3-4 दिन हो गए, लेकिन जो अपने वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली अपने मौका मिल गया। इधर उधर की बात ना करके आ जाए अपने ट्रैक मुद्दे पे। तो ये हमने लिया है 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मिनी आइसर 188। भाई ये जो हम किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उस पर हालांकि ये अपना टॉपिक भी नहीं, हम जो जनरली हम कार्स और बाइक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब हम इसको परचेज कर लिया, जो डिलीवरी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन इसमें मैं आपको सारी चीज़ें कन्फर्मेशन एक बार दिखा दूंगा। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है रामेश्वर ट्रैक्टर से, केशोद में हमारे जो नज़दीक से पड़ता है उधर से। ये ट्रैक्टर ज़्यादातर बागबानी और उसमें सब काम में आता है। एक और ट्रैक्टर तो है हमारे पास, लेकिन ये हमने फिर से एक लिया है क्योंकि ब्रांड न्यू है। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो ये हमें करीबन 3.5 लाख रुपए में पड़ा है, तो और ये अभी ब्रांड न्यू है, कुछ भी नहीं चला है, तो इस बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। तो भाई ये हमने ख़रीदा है, तो मैंने कहा था 4x4 व्हीकल एक ऐड करने वाले हैं, तो यही व्हीकल था। जो मुझे पता है उसमें आपको कोई एक्साइटिंग नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रैक्टर कार या बाइक होती तो बहुत ही होता, लेकिन जब इसको चलाएंगे तब इसका पूरा मज़ा लेंगे। और इसके वीडियो में आपको अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपको इसको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, अच्छी लगी, अगर आप हमारा चैनल अभी मोनिटाइज भी नहीं हो, जब मोनिटाइज हो जाएगा तब तो हम स्पेशल कार की और जब बहुत ही शानदार वीडियो बनाएंगे। हालांकि अभी भी मैं पूरी कोशिश ही कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। फिलहाल ट्रैक्टर पे आ जाते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है वो सबको मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये तो मैं आपको छोटी चीज़ें बता देता हूं कि ये बस अपना 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, यहाँ पर 4-व्हील ड्राइव की बेजिंग है, यहाँ पर इसका जो गियर शिफ्टिंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। तो यही था वो ट्रैक्टर या फिर अपना जो 4x4 व्हीकल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हम खरीदने वाला है। अभी रात का समय है, ट्रैक्टर ले दे हुए तो 3-4 दिन हो गए। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में एक बताया मेंशन किया था कि उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं नहीं बता सकता एक शॉर्ट वीडियो में, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं आपको वॉकराउंड वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि भाई ये हमने 4x4 व्हीकल जो ख़रीद लिया है, जो मैंने आपको कहा था वो मैंने आपको चीज़ पूरे की है। अभी ब्रांड न्यू है, कुछ ज़्यादा चला नहीं है, एक बार इसको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ इसका इग्निशन है, ये थोड़ा मस्त लगता है, ये देखिए ये अभी 3.5 घंटे 3.8 घंटे ही चला है। इसमें आपको हॉर्स का हिसाब रहता है, मतलब कितने घंटे चला है उस हिसाब से ट्रैक्टर को मार्किंग करते हैं, इसकी सर्विस वगैरह वो सारी वीडियोस। तो मैं तो अगर आपकी कमेंट आएगी और आपको अच्छा लगेगा तो मैं बनाऊँगा इसका एक डिटेल वीडियो, जल्द से जल्द अपने चैनल पर हाजिर हो जाएगा। मतलब हम बनाने वाले हैं इसका एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहती है, जो अपने किसान भाई हैं उनको भी जानने के चाहते हैं। ये ट्रैक्टर अभी भी नया लॉन्च हुआ है, मतलब 1-2 साल ही हुए, इसमें छोटे मोटे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। प्राइसिंग अगर बात कर ले तो मैंने आपको पहले बता दिया 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये ऑन रोड इसकी प्राइस है। एक शोरूम कहीं ना कहीं इसकी 3,20,000 थी, आरटी और इंश्योरेंस वो सब इसका बहुत आजकल महंगा चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग भी इसकी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी आजकल बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन बात में वही आ जाती है कि अगर जिस जो चीज़ का अगर नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा ही नहीं, जिसको जो चीज़ आपको चाहिए हो तो चाहिए हो कि कितने ही महंगी हो जाए, उस तरह से रहता है। एक किसान है कि जो अपनी पूरी जो कमाई लगा देता है वो इस एक ट्रैक्टर ख़रीदने में, वो ट्रैक्टर से एक्सपेक्ट करता है कि वो इसको ऐसे चला के दे, वो अच्छी तरीके से ठीक तरीके से चले और उसका जो टाइम टू टाइम काम है वो हो जाए, और इस तरह से किसान अपनी जो पूरी कमाई है वो इसमें लगाता है। एक और बात, इसके अभी जो कुछ भी नहीं हुआ, पासिंग वगैरह नहीं हुआ, नंबर प्लेट वगैरह नहीं आए, डॉक्यूमेंट सारे हो चुके हैं। एक और बात, हमारी जो बाइक थी उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली, उसकी नंबर प्लेट पे आ चुकी है, उसकी वीडियो भी जल्द आएगी। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी इसमें कुछ वीडियो बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि आप पूछोगे भाई ये 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, तो इसमें आप 4-व्हील ड्राइव कहाँ से लगा सकते हैं, 2 ही गियर वही सिंपल से दिए गए, ये अपना स्पीड का गियर है। एक बार ठीक के आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 4 ऐसे 4 गियर में आता है, और वो अपना हाई लो के लिए है, ये अपने PTO के लिए है। लेकिन भाई आप कहोगे 4-व्हील ड्राइव या 4x4 में, आप 4x2 में कहीं से चला सकते हैं, वो गियर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर 4x2 और 4x4 की बेजिंग भी दी गई है।
तो इस तरह से है कुछ ट्रैक्टर। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे जल्दी आ जाएगा। बस यही तो वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।